हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन ये स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है तो प्लीज से ट्राई करें। एंड गाइस वेट समथिंग। हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए मिशन आइडिया में आप लोगों का वेलकम है पहली बार। एंड गाइस, जैसा कि मैं टेंस कंटिन्यू करा रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंट में पास्ट, मतलब जो टाइप होते हैं टेंस को डे बाय डे हर रूल के अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल ही जस्ट डाला था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इनफिनिट टेंस, मतलब डेली। प्रेजेंट का मैंने कंप्लीट करा दिया है, पास्ट का भी कुछ डाल दिया है। एंड गाइस, ये आपको आज मैं लेकर आया हूँ पास्ट इनफिनिट टेंस का, ठीक है, जो कि रूल्स विद एग्जांपल के साथ में। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दे, कॉमेंट करें एंड शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब। तो चलिए गाइस, पहली बात हम लोग जानते हैं कि पास्ट इनफिनिट टेंस होता क्या है। पास्ट यानी कि जो चीज बीत गया हो, जैसे आपने खाना खा लिया, तुमने पहन लिया, तुमने खो दिया, तुमने पा लिया, मैं विद्यालय गया था, मैं विद्यालय गया, वह विद्यालय से आई, यानी कि बीत गई, जो बीत गया काम, ठीक है, तो आई लेकिन वो क्या काम बीत गया है, यानी कि पास्ट हो गया, उसे हम लोग पास्ट इन्फिनिटिव कहते हैं, उसे पास्ट होते हैं। अब देखिए रूल क्या होता है, पास्ट इन्फिनिटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब्जेक्ट में आई वी यू ही सी इट नेम, जैसे मैं तुम वह आप, ये सब सब्जेक्ट होता है। वर्ब आप लोगों को पता है, हंसना रोना बैठना लाफिंग वॉकिंग स्पीकिंग राइटिंग टेलिंग, ये सब आपके क्या है वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पता है जो कोई भी काम आपको सबसे लास्ट में है, जैसे मैं विद्यालय गया तो आई वेंट टू स्कूल, स्कूल क्या हो गया जो लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट। एंड मैं आपको एग्जांपल दिखलाता हूँ गाइस, आपका एग्जांपल है फर्स्ट में मैं विद्यालय गया, ठीक है, इसी रूल पे बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट। मैं क्या क्या होता है, पहले मैं एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ, तुमने खाना खा लिया, वह माँ के घर गई है, वह माँ के घर गई, यह हाई कोर्ट आ सकते हो, ठीक है, वह माँ के घर गई, यह भी क्या सीता माँ की सेवा की, मैंने विद्यालय बंद किया, तुमने अपने साथी को धोखा दिया, मैंने याद कर लिया, तुम बेवफा हो, ठीक है, ये ऐसा कुछ होता है, तुम बेवफाई की, ठीक है, तो हर तरह कुछ होता है। एंड गाइस, लोग आजकल बोलते हैं इंग्लिश बहुत प्रॉब्लम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप रूल को पढ़ो। हम लोग जितना भी सेंटेंस बोलते हैं ना, सब टेंस ही पढ़ते हैं, ठीक है, कोई प्रेजेंट होता है तो कोई पास्ट होता है तो कोई फ्यूचर होता है, ठीक है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो कल बनाया था, मैं वीडियो कल बनाऊंगा, तुमने खाना खा लिया, तुम खाना खाओगे, तो ये सब क्या है, सब रूल है फॉर, बस उसी पे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, ये सब पता चलेगा। अब वर्ब के बारे में आप लोग पता होगा ना, एक चीज मैं कंप्लीट कर, जैसे वर्ब 1 क्या होता है, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ठीक है, इसका कहां कब यूज होता है। जैसे होगा ना गाइस, बोलना, बोलना क्या होता है गाइस, स्पीक होता है, ठीक है, एक टेल भी होता है, स्पीक कर दिए हम, तो वर्ब 2 क्या होगा, स्पीक स्पोक, वर्ब 3 होता है आपका स्पोकन। अब वर्ब 4 में जितना भी होता है ना, सब में आई एनजी लगाते हैं, जिसको हम लोग जीरंडी बोलते हैं, तो स्पीकिंग हो जाएगा, ओके। अब वर्ब 5 क्या हो जाएगा, एस या ईएस लगता है, ठीक है, यहाँ कॉन्सनेंट है तो यहाँ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, स्पीक्स, ये होता है वर्ब। जैसे रीड रहेगा तो रीड 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 रीड, उसका वर्ब 3 होता है, फिर रीडिंग और रीड्स, ठीक है, इसी प्रकार होता है। अब चलिए अपना सेंटेंस को बनाऊंगा। तो गाइज, मैंने आपको ये सब रूल बता दिया ना, यदि आपने रूल को जान लिया, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो इसको खुद से ट्राई पहले करिए बनाने के लिए, जो मैंने सेंटेंस को सिखाया, तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। गाइज, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो गाइज, जैसा कि फर्स्ट है, मैं विद्यालय गया तो यानी कि बीत गया, ठीक है, मैंने विद्यालय गया, आप भी विद्यालय गएंगे अपने बचपन में, ठीक है, तो बीत गया, ठीक है, तो मैं विद्यालय गया, मैं का क्या होगा, आई के बाद क्या लगता है, वर्ब 2, जाना का क्या होता है, गो, वर्ब 2 क्या होता है, गो वेंट गॉन, तो हमारा वेंट होगा, आई वेंट टू कहां पे, स्कूल पे, आई वेंट टू स्कूल। इसी सेंटेंस को मैं हल्का सा लॉन्ग कर दूंगा, करूंगा ना, मैं विद्यालय आज गया, या मैंने मैं विद्यालय आज गया, तो कैसे बनाएंगे,
आई वेंट टू अ स्कूल टूडे। यदि बोलता है ना मैं विद्यालय कल गया था, आई वेंट टू अ स्कूल क्या टुमारो, ठीक है। अब नेक्स्ट है गाइस, तुमने खाना खा लिया, यू तुमने खा लिया, ऐसा होता है ना, तुमने खा लिया, ठीक है। अब बोलेंगे तुमने खाना खा लिया, सेम है, तो यू के साथ क्या, इसके बाद क्या लगते हैं, भाव टू क्या है, खाना और खा लिया है दोनों। देखिए कंफ्यूज होते, एक खाना होता है यानी कि फूड, एक ईट होता है, ईट मतलब कि वर्ब क्या, क्रिया, खाने की क्रिया, एक खाना है फूड यानी कि भोजन। यहाँ भोजन भी दे सकता है आपको, खाना भी, ऐसा होता है ना, तुमने भोजन खा लिया या तुमने खाना खा लिया, तो क्या हो जाएगा, यू, यू के बाद क्या लगता है, ईट एट, यानी कि भाव टू क्या होता है, यू एट हो जाएगा, ए टी, ओके, यू एट, अब क्या बोला है, फूड, यू एट फूड। अब देखिए मैं थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस बनाता हूँ, इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं ये स्टार्टअप है इसीलिए मैं इतना शॉर्ट लेकर आ रहा हूँ और स्मॉल भी सेंटेंस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ रहता है ना, तुमने खाना खा लिया अपने घर में, तुमने खाना खा लिया अपने रूम में, यानी मैंने खाना खा लिया अपने रूम में, तो कैसे बोलेंगे, यू एट फूड इन योर रूम, यानी कि आप किसी को बोल रहे हो योर रूम, ओके। एनी डाउट हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। यू एट फूड इन योर रूम, यानी कि तुमने खाना, देखिए यहाँ पर सेंटेंस छोड़ देता, मैं आपका बड़ा करके आपको बतला रहा हूँ, ठीक है, कि बड़ा भी आया तो आप उसका बना सकते हो बहुत ही इजी वे में। नेक्स्ट है गाइस, वह माँ के घर गई, ठीक है, तो कौन है, गर्ल्स की बॉयस, गर्ल्स के बारे में बताया था, गर्ल्स के लिए ही किसी पे रुकते थे, तो सी, देखिए यह बहुत सिंपल है, वह माँ के घर गई, शी वेंट टू, शी वेंट टू, अब क्या होगा, शी वेंट टू होम, होम नहीं होगा क्यों, घर गई, लेकिन किनके घर गई, ये पहले आएगा, तो यू वेंट टू होम, वह माँ के घर गई, कहाँ पे गई है, माँ के, शी वेंट टू होम ऑफ मदर ने होगा, ठीक है, शी वेंट टू मदर्स होम भी बोल सकते हो, या शी वेंट टू मदर्स होम भी बोल सकते हो, सबसे अच्छा यही ठीक रहेगा, माँ घर, मदर्स, एम ओ टी एच ई, और यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस, यहाँ पे एस और होम, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस क्यों दिया हूँ, ठीक है। देखिए जब भी अपोस्ट्रॉफी एस लगता है, ठीक है, इसका मतलब होता है ना, जैसे राम का रहेगा तो राम अपोस्ट्रॉफी एस और एस दे देंगे, राम का पुत्र, या बोल सकते हैं राम ऑफ सन, हम दोनों यूज कर सकते हैं, शी वेंट टू मदर ऑफ होम, या शी वेंट टू होम ऑफ मदर, नो डाउट, शी वेंट टू मदर्स होम, यही सबसे सिंपल है और बेस्ट है वे। नेक्स्ट है, सीता माँ की सेवा की, यानी कि सीता सेवा करना क्या होता है गाइज, सर्व होता है, तो भाव टू क्या होता है, सर्व, सीता सर्व्ड, ए सी आर वी ई डी, सीता सर्व, और किन की सेवा की, सीता माँ की सेवा की, सीता सर्व ऑफ मदर, एम ओ टी एच ई आर, माँ की सेवा हर कोई करे भाई, बहुत अच्छी बात है, तो सीता ही नहीं, तो गाइज अब नेक्स्ट है, मैंने विद्यालय बंद किया, मैंने विद्यालय बंद किया, तो क्या हो जाएगा, आई क्लोज्ड आवर स्कूल, थोड़ा लॉन्ग कर सकते हैं, जैसे मैंने विद्यालय बंद किया ना, तो मैं बोलूंगा ना, मैंने अपना विद्यालय आज बंद किया, मैंने विद्यालय आज 6 बजे बंद किया, तो कैसे बना हुआ, आई क्लोज्ड इन आवर स्कूल, आई क्लोज्ड आवर स्कूल टूडे एट 6 o'clock या इन द मॉर्निंग, सुबह मैंने स्कूल सुबह बंद किए, तो आई क्लोज्ड आवर स्कूल इन द मॉर्निंग, बस उसको करने क्या जरूरत है, आपको ट्राई करिए, ठीक है, सेंटेंस खुद से लाओ अपने अंदर से, इसको फिर बनाओ, ओके। यहाँ मैंने विद्यालय बंद किया था, क्या हो जाएगा, आई के बाद क्या लगेगा, क्लोज्ड, आई क्लोज्ड, ओके, आई क्लोज्ड, मैंने विद्यालय बंद किया, आई क्लोज्ड स्कूल, लेकिन हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पे मान चल रहे हैं, मैंने विद्यालय अपना, मैंने विद्यालय अपना
सुबह में बंद किया। अब देखिए मैं थोड़ा लॉन्ग लग गया, मैंने विद्यालय अपना सुबह बंद किया था, ठीक है। आई क्लोज इन आवर स्कूल, आई क्लोज आवर स्कूल, आवर स्कूल, ओके आवर स्कूल। अब क्या सुबह में, मैंने कल भी पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस कह रहे थे कि फील्ड में खेल रहे थे, ठीक है, या घर में बैठे थे, या घर में बैठे हैं, कहीं भी चीज जो कि आपको क्या किसी अंदर एरिया में हो, ठीक है, तो उसके लिए हम इन का प्रयोग कैसे बोलेंगे। आप अपने मोबाइल में देख रहे हो, यू आर लुकिंग इन योर मोबाइल, ये इन योर मोबाइल, ठीक है। तो बोला क्या है यहाँ पे, अपना सुबह में, मैंने विद्यालय अपना सुबह में बंद किया, आई क्लोज आवर स्कूल, क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ओके। बस कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, छोटा या बड़ा कितना भी हो सब बन जाएगा, आखिर जाएगा कहाँ। गाइज इट्स वेरी सिंपल हाउ टू स्पीक यू इंग्लिश, इफ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल बी श्योर वन डे सक्सेस, बस जरूरत है तो हार्ड वर्क की। अब यहाँ है गाइज, तुमने अपने साथी को धोखा दिया, यू तुमने अपने साथी को, याद लाइक एग्जांपल में बोल सकते हैं ना, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को साथ तुमने चिट किया, ठीक है, तुमने अपने गर्लफ्रेंड के साथ चिट किया, उसको धोखा दिया, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, यानी धोखा दिया बीत गया है तो क्या होगा, यू यू। अब देखिए धोखा देना क्या होता है इंग्लिश, डिसीव, डी ई सी ई आई वी ई, और इसका भाव टू क्या हो जाएगा, ई डी, उसमें आप डी एड कर दिए, डिसीव डिसीव्ड, ठीक है, यू डिसीव्ड तुमने अपने साथी को, यू डिसीव्ड योर, अब साथी, साथी में कोई भी हो सकता है, यहाँ पे फ्रेंड बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा साथी या फ्रेंड है तो फ्रेंड ही होता है, साथी या सखा दोस्त, ठीक है, यू डिसीव्ड योर फ्रेंड, यहाँ फ्रेंड के जगह पर लिख सकता है कोई अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, जिसको जिसने दिया हो या नहीं दिया हो, ठीक है, वो आपने लिख सकते हो या इसको अंडरस्टैंड के लिए समझ सकते हो, तुमने अपने साथी को धोखा दिया, यू डिसीव योर फ्रेंड, ओके गाइस। अब चलिए लास्ट पॉइंट में आते हैं, एंड गाइस आप लोग इसको उतारना चाहते हो तो इसको उतार सकते हो, ठीक है, तो गाइस यहां पे लास्ट पॉइंट है, मैंने याद कर लिया। अब एग्जांपल में आपसे टीचर पूछते हैं ना, तुमको याद हो गया, तो बोलते ना, यस सर मैंने याद कर लिया, तो क्या हो जाएगा, आई लर्नड, लर्नड सॉरी गाइस, आई लर्नड हो जाएगा, ए ली ए आर एन टी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंने याद कर लिया, आई, ओके आई, लर्न का भर्ब टू क्या होता है, लर्नड होता है, ए ई ए आर एन टी, ओके आई लर्नड हो गया, याद कर लिया, आई लर्नड, बस हो गया और कुछ नहीं, मैंने याद कर लिया, लेकिन यहां पर मैं ऐड करता हूं, मैंने याद पुस्तक के कहानी, मैंने याद पुस्तक के कहानी कर लिया, ओके मैंने याद पुस्तक के कहानी कर लिया। अब कैसे होगा इसका, आई लर्नड अ स्टोरी ऑफ माई बुक, यानी कि मैंने याद कर लिया पुस्तक की कहानी, आई लर्नड अ स्टोरी ऑफ बुक, आई लर्नड अ स्टोरी ऑफ बुक, ओके दैट्स ओवर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस तरह के सेंटेंस बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हो, ठीक है। एंड गाइस मैं आप लोग को देखिए कुछ बुक्स है उसमें से आप लोग भी बना सकते हो, आपका होमवर्क में रहेगा, मैं सेंटेंस या आप लोग खुद यूट्यूब पे सॉरी क्या बोलते हैं गूगल पे सर्च करोगे एग्जांपल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब जो मैंने थोड़ा लॉन्ग ऐड कर दिया इसी टाइप के आपको एग्जाम्पल देंगे, आप बनाने का ट्राई करना, ठीक है। एंड गाइस तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, एंड हमसे कोई भूल या मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक्स गाइस।